समय की अपडेट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं होली वाले दिन होशियारी से किस तरह से जो नौजवान युवक है ये किस तरह से चोरी और लूटपाट की वारदाताओं को अंजाम दे रहे हैं। लाजपत नगर मिश्रा कॉलोनी का ये बड़ा मामला सामने आया है। होली वाले दिन एक जितिन नाम का नौजवान जो चोर है, जी हाँ, उसने अपने ही घर के सामने एक सोए हुए बुजुर्ग के हाथ से सोने की अंगूठी चोरी की थी और मौके से रफू चक्कर हो गया था। और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने ही आगे किसी साथी को 8000 में वो सोने की रिंग बेची थी। और जब दूसरे वाले की गिरफ्तारी होती है तो दूसरे वाला बताता है कि उसने 21000 में उसी रिंग को आगे किसी तीसरे शख्स को बेच दिया। लेकिन पुलिस जो है लगातार, यमुनानगर का पुलिस प्रशासन दिन रात किस तरह से चोरों, लुटेरों और हथियारों को पकड़ने के प्रयास में लगा है, बताना चाहेंगे। एक ऐसे चोर युवक की गिरफ्तारी हुई है जिसने अपने घर के सामने होली वाले दिन अपने चेहरे पर रंग लगाकर एक बुजुर्ग जो अपने ही घर के बरामदे में आराम कर रहा था, उस बुजुर्ग के हाथ से सोए हुए सोने की रिंग, सोने की अंगूठी जो है वो चुरा कर मौके से भागा था। और बताना चाहेंगे CIA 1 की टीम को जैसे ही सूचना मिलती है तो उसके बाद CIA 1 की टीम बड़ी कार्यवाही के चलते उस चोर आरोपी को गिरफ्तार करती है। और जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इस जितिन ने, जी हाँ, इस चोर युवक का नाम जितिन है जो लाजपत नगर का ही रहने वाला है और जिस बुजुर्ग की मैं बात कर रही हूँ वो भी इसी के घर के बिल्कुल सामने ही रहने वाला है। तो बताना चाहेंगे जितिन की जब गिरफ्तारी होती है, जब इससे CIA 1 की टीम के द्वारा पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के दौरान सामने जो निकल कर आता है वो आता है कि इसने 8000 में वही बुजुर्ग की सोने की रिंग आगे किसी और शख्स को बेच दी थी। लेकिन जब पुलिस लगातार गहनता में जाकर तफ्तीश करती है, मामले की कार्यवाही करने में जुट जाती है तो उस दूसरे युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके पास जितिन ने 8000 रुपए में ये सोने की रिंग जो है बेची थी। अब जब दूसरे नौजवान की गिरफ्तारी होती है, जब उसे पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो इससे पता चलता है कि इसने आगे किसी तीसरे को 21000 में वही रिंग बेची थी। तो अभी तक दो आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन तीसरा अभी भी खुले आसमान के नीचे बेखौफ घूम रहा है। और एक तरह से ये एक ऐसा केस सामने आ रहा है जिसमें चैन सिस्टम बना हुआ है। एक ने दूसरे को सोने की रिंग बेची और दूसरे ने तीसरे को, तीसरे वाला अभी भी कहीं ना कहीं जो है गायब है। पुलिस को चकमा देकर 9:11 हो रहा है लेकिन कब तक? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं दोस्तों। आज नहीं तो कल उस तीसरे शख्स की भी CIA 1 की टीम के द्वारा बड़ी कार्यवाही के चलते गिरफ्तारी होगी। तो इन आरोपियों के ऊपर पहले भी लूटपाट को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर मुकदमे दर्ज हैं दोस्तों। अब इन्हें कोर्ट में पेश कर कहीं ना कहीं रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद जब सारी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तो उसके बाद आरोपियों को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। CIA 1 से मैं इस समय की अपडेट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं होली वाले दिन होशियारी से किस तरह से जो नौजवान युवक है ये किस तरह से चोरी और लूटपाट की वारदाताओं को अंजाम दे रहे हैं। लाजपत नगर मिश्रा कॉलोनी का ये बड़ा मामला सामने आया है। होली वाले दिन एक जितिन नाम का नौजवान जो चोर है, जी हाँ, उसने अपने ही घर के सामने एक सोए हुए बुजुर्ग के हाथ से सोने की अंगूठी चोरी की थी और मौके से रफू चक्कर हो गया था। और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने ही आगे किसी साथी को 8000 में वो सोने की रिंग बेची थी। और जब दूसरे वाले की गिरफ्तारी होती है तो दूसरे वाला बताता है कि उसने 21000 में उसी रिंग को आगे किसी तीसरे शख्स को बेच दिया। लेकिन पुलिस जो है लगातार मामले की जांच करने में जुट चुकी है। जी हाँ, लगातार तफ्तीश की जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा क्या तीसरे ने भी किसी चौथे को ये रिंग बेची है, चौथे ने पांचवे को, कितना चैन सिस्टम निकल कर सामने आएगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिला पुलिस प्रशासन हम जैसे लोगों को चैन की नींद सुलाने के लिए किस तरह से दिन रात अपने कर्तव्यों का बखूबी से निभा रहे हैं, चोरों, लुटेरों, हथियारों को समाज से अपराध ना हो पाए इसके लिए लगातार ऐसे आपराधिक गतिविधियों को दूर करने के प्रयास में लगी है। एक बार फिर से CIA 1 की टीम ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने होली वाले दिन अपने चेहरे पर रंग लगाकर अपने ही घर के सामने बरामदे में सो रहे बुजुर्ग के हाथ से सोने की रिंग चुराई थी और उसके बाद पुलिस को चकमा देकर 9:11 हो गया था। लेकिन पुलिस के हाथ कामयाबी लग चुकी है, दो आरोपियों की इस केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बार पूरे तमाम मामले की जानकारी के लिए CIA 1 के इंचार्ज राकेश राणा हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पूरा मामला उनसे जरूर जानेंगे कि आने वाले समय में इन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तो दोस्तों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
देखिए कि अंगूठी चोरी कर ली थी इसने अपने ताऊजी की, एक लड़के ने, जितिन नाम का लड़का है और ये मिश्रा कॉलोनी का रहने वाला है। ये होली फाग के दिन की घटना है, तो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और उससे पेमेंट भी बरामद कर लिया जिसको उसने आगे बेची थी। हमने उसको भी आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के का नाम है राजेश भारद्वाज और उससे भी 21,000 रुपये हमने बरामद कर लिए और 6,000 रुपये उससे बरामद किए हैं। सर कितने जितिन से? ये टोटल इन्होंने 21,07,628 और 29,000 रुपये की इन्होंने बेची थी, इसमें 27,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए। सर उम्र कितनी होगी इन चोर नौजवानों की? दोनों नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं दोनों। पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है सर चोरी और लूटपाट के? नहीं, पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इनमें से कोई ज्वेलर भी है जिसने खरीदी? नहीं, ज्वेलर्स नहीं है कोई। सर पता चल रहा है जैसे 21,000 में बेची है उससे तफ्तीश में जब पूछा गया तो वो भी किसी तीसरे का साथी का नाम ले रहा था। हाँ, अभी वो तफ्तीश का विषय है, वो अभी जाँच चल रही है किसको बेची है।